शिक्षा मंत्रालय ने 2022 और 23 के तहत उत्तर प्रदेश में 1 से 8 तक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के आंकड़े जारी किए। जी हाँ, इन आंकड़ों को पहले आप देख लीजिए। कुल 1,26,028 प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता है और यह स्थिति तब है जब आप देखिए, यह स्थिति तब है जब 719,399 जो हुआ सीटें हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों की, इनको सीधे 579,622 कर दिया गया, यानी कि लगभग 139,000 शिक्षकों की पोस्ट सीधे तौर पर खत्म कर दी गई है। तब भी उत्तर प्रदेश का ये सूरत है कि 1,26,028 प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन आज विधानसभा में विभिन्न मंत्रियों या विधायकों के माध्यम से पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री का जो रटा रटाया पिछली बार वाला बयान आया, वो देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। अब ऐसे में डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की लंका न लगे तो क्या हो। रेशियो को हम सब लोग 12,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक, इन सबको मिलाकर के जाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में। इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और प्राइमरी में चल रहे सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिले। आपने सुना कि मंत्री जी वही बयान कह रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको मिलाकर प्राथमिक में 1/30 वाला और उच्च प्राथमिक में 1/35 वाला शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो भैया पूरी तरह से बराबर है। कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में हमें सहायक अध्यापकों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूछा गया कि क्या आप भविष्य में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि न्यायालय में जितने भी प्रकरण लंबित हैं, जब तक वो सुलझ नहीं जाएंगे तब तक हम नई भर्ती की तो विचार, अभी तो फिलहाल हम विचार ही नहीं कर रहे हैं। सीधे उन्होंने कहा कि जब तक वो सुलझेंगे तब देखा जाएगा। तो भैया 69,000, 68,500, 12,000, 460 इतने मामले लंबित हैं, उस पर सरकार कोई पैरवी नहीं कर रही, तो वो तो कभी होने वाले नहीं है और ना कभी अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। अब आप जो भी डीएलएड किए हैं, जो भी बीएड किए हैं, उनको भैया बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा तो शायद आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में मिल जाए, अन्यथा जो नए शिक्षा आयोग के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की गुहार लगा रहे थे, उम्मीदें जगा रहे थे, अब वो सब कुछ भैया समाप्त होने वाली। आप क्या सोचते हैं इस बयान को सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा।